दोस्तों आज मैं आप लोगों को कल के मैच के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था। इंडिया जो कि मैच हार चुकी थी, इंडिया जो मैच हारी थी, हारने का कारण था। आज मैं आप लोगों को वो कारण बहुत क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्या कारण थे। तीन चार कारण थे जो इंडिया हार गई थी। इंडिया ने अच्छा खेला था, लेकिन हार जीत रहता है खेल में। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंडिया कल हारी। पहला जो हारने का कारण था वो था रन जो था वो बहुत कम था, 170 रन, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत ही कम होता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ उनका जो शॉर्टर फॉर्मेट होता है वो बहुत अच्छे खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर को आप लोग देख लीजिए, जब वो आईपीएल खेलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लीग होता है, तो उसमें बहुत अच्छे खेलते हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है 170 180 आंद्रे रसल जैसे खेलते हैं, फिर हम लोग का जो क्रिस गेल है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो कि 170 रन हुआ था इंडिया का कल, जो कि एक माना जाता है कि एक चेसिंग फाइटिंग होता है, लेकिन दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कल बहुत ही कैजुअल हो गया था 170 रन। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगर 210 215 रन होता तो वो चेसिंग फाइटिंग रन होता और शायद इंडिया जीत भी सकती थी। दोस्तों ये पहला कारण था, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब रोहित शर्मा ने वो शॉट खेला और शॉट खेलते हुए आउट हुए तो वो बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि हाँ मान सकते हैं कि रोहित शर्मा रन को बढ़ाना चाहते थे, रन गति को और तेज़ी से बढ़ाना चाहते थे, वो चाहते थे 210 और 220 रन की टारगेट वेस्ट इंडीज़ को मिले। लेकिन दोस्तों उनका इंटेंट अच्छा था, लेकिन वो जो डिसीजन था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि नॉन स्ट्राइक में जो शिवम दुबे खड़े थे वो अच्छे फॉर्म में आ गए थे, उन्होंने फॉर्म पकड़ लिया था और उन्होंने भी अच्छी अर्धशतक मारी, जो कि उनका T20 इंटरनेशनल में पहला अर्धशतक था। दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होते हुए जब विराट कोहली आए तो विराट कोहली ने भी कुछ ज़्यादा रन नहीं कर पाए। ऋषभ पंत ने थोड़े कुछ अच्छी तरह से खेले, एक सिक्स भी मारे, लेकिन दोस्तों जब रविंद्र जडेजा उतरे, वाशिंगटन सुंदर उतरे, तो इन्होंने कुछ रन अर्जित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडिया कल 170 रन पे ही रुक गई। और जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आई तो ऋषभ पंत का जब वो कैच मिस हुआ, बॉलिंग लाइन फिर इम्पैक्ट में नहीं था। कल दीपक चहर ने भी रन दिए, जो कि बांग्लादेश सीरीज़ में डबल हैट्रिक लेने वाले बॉलर थे, उन्होंने भी कल अच्छी बॉल नहीं किए, जिनके खाते में एक भी विकेट नहीं आई कल, तो उन्होंने 33 रन दिए अपने ओवर्स के कोटे में, जो कि उनका कंप्लीट भी नहीं हुआ था चार ओवर्स, लेकिन उसके अंदर ही उन्होंने 33 रन दिए। तो कल फील्डिंग बॉलिंग ये सब इम्पैक्ट नहीं रहा इंडिया के लिए, उससे इंडिया ये मैच हार गई। जब ऋषभ पंत कैच लेने गए थे एविन लुइस की, उन्होंने तो लेग साइड में ड्राइव मारी, लेकिन उनका जो फुट स्टेप था, उनका जो पार्शली फुट था, वो गलत तरीके से फॉरवर्ड हुआ, जिसके वजह से उनका जो एल्बो था मैदान पर टच हुआ और बॉल ग्रिपिंग से निकल गया, बॉल ड्रॉप आउट हो गया, जिसकी वजह से वो कैच मिस हो गया। तो दोस्तों इंडिया का जो हारने का कारण था ये हो सकते हैं, जब रोहित शर्मा का वो डिसीजंस, ऋषभ पंत का वो कैच मिस, इंडिया टीम का बॉलर जो इम्पैक्ट में नहीं रहा कल, दीपक चहर भी कल रन खाए। और दोस्तों इसको मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब टॉस इंडिया हारी तो वहाँ पे भी 25-35% मैच हार चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जो टीम टॉस जीतता वो पहले फील्डिंग लेते, क्योंकि ऐसी तो पिच नमी थी, क्योंकि दो दिन पहले उस फील्ड पे बारिश हुई थी, जिसकी वजह से उस पिच में थोड़ी सी नमी थी, जो कि बॉल थोड़ी सी रुक रुक के आ रही थी। तो पहले फील्डिंग करते तो अच्छा रहता, क्योंकि बाद में फील्डिंग करना मुश्किल होता, क्योंकि ऊपर से तो पिच नमी है ही, लेकिन जब ड्यू पड़ता तो वो भी एक प्रॉब्लम रहता। तो यही एक प्रॉब्लम इंडिया के साथ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पहला मैच इंडिया ने जीता, दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने जीता, शायद थर्ड मैच इंडिया ही जीते और ये सीरीज अपने नाम करे। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक, आप लोगों से ये भी देखिए आप हमारे नेचुरल स्पोर्ट्स टाइम प्लस को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को पा सकें। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।